अगर आप भी शत्रु बाधा से त्रस्त हैं, शत्रु ने आपका जीना हराम कर रखा है, आपके आगे पीछे डोलकर वो आपको जबरदस्त परेशान कर रहा है, आप त्राही त्राही कर रहे हैं और शत्रु बाधा से आपकी मुक्ति ही नहीं हो रही है, शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो ये उपाय ऐसे में इतना कारगर है, इतना कारगर है, आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। शत्रु की तो बोलती बंद हो जाएगी, शत्रु तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा। और ये क्रिया करके देखिए, आपको अत्यंत लाभ की अनुभूति होगी। मित्रों, आप दीपक तो अवश्य जलाते हैं और शुभ और मांगलिक अवसरों पर दीपक जलाए भी जाते हैं, लेकिन शत्रु बाधा ऐसी बाधा होती है जिसके निमित्त आप इस तेल का दीपक वार के अनुसार लगाएंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो बहुत खास है, शत्रु बाधा निवारण का एक ज़बरदस्त उपाय बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूअर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप यूं ही प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें, इसी विश्वास और दुआ के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आपको क्या करना है, सात रंग का एक धागा लेना है। सात रंग का धागा किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा और सहज सुलभ है। तो सात रंग का धागा लेकर आपको एक बत्ती बना लेनी है, लेकिन बत्ती का तेल हमेशा डिफरेंट रहेगा। सप्ताह के सात दिन होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग तेल का दिया आपको जलाना है। तो सोमवार से प्रारंभ करते हैं। सोमवार को आपको दीपक में सरसों का तेल भरना है, मंगलवार को तिल का तेल भरें दीपक में और बुधवार को जैतून का तेल भरें दीपक में, गुरुवार को मूंगफली का तेल भरें दीपक में और शुक्रवार को आपको भरना है सरसों का तेल, लेकिन उसमें दो इलायची आपको कूट कर डालनी है, तभी ये वर्क करेगा। शनिवार को तिल का तेल लेना है और उसमें दो लौंग पीस कर डालनी है, तभी ये वर्क करेगा। और रविवार को तेल नहीं भरना है, घी का दीपक जलाना है, बत्ती सात धागे वाली ही होनी चाहिए, तभी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी। ध्यान दीजिएगा, दीपक मिट्टी का ही होना चाहिए और अपने घर की चारों दिशाओं में आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं। और जब हमने तेल बताया, वो तेल यूज़ में लेना है और रविवार को घी यूज़ करना है। इस तरह से आप दीपक जलाएंगे तो शत्रु बाधा आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। शत्रु जबरदस्त तरीके से बर्बाद होगा। आपका बुरा चाहने वाला हर घर में अगर है, मतलब आपके जान पहचान वाले घर में है, तो उसको तबाह करने में ये दीपक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस तरह से दीपक प्रज्वलित करिए और मन ही मन भोलेनाथ का जाप करिए, शिव जी का जाप करिए, या मंगलवार को आप दीपक जला रहे हैं तो आप श्री राम जी का स्मरण करें, हनुमान जी का स्मरण करें। आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, आप खुद सच्चे होने चाहिए, तभी ये दीपक वर्क करेगा। किसी को बेवजह तबाह करने के लिए आप दीपक जलाएंगे तो ये निष्फल हो जाएगा प्रयोग। आप खुद सच्चे होने चाहिए और आपको जो बर्बाद करना चाह रहा है वो उसकी नीयत खराब हो, तभी ये वर्क करेगा। मतलब रियल में आपका शत्रु होना चाहिए, बेवजह ये प्रयोग ना करें, इससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। और आप सच्चे हैं तो ये प्रयोग आपको बहुत लाभ देगा और आपकी शत्रु बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। हमें 25 सालों का अच्छा खासा अनुभव है और ज्योतिष विद्या पे हमारी अच्छी खासी पकड़ है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं, क्योंकि सही और सटीक जानकारी देने वाले अनुभवी लोग यहाँ कम ही हैं। तो हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। बेसिर पैर की बातें करने वाले या बेसिर पैर की वीडियो बनाने वाले बहुत हैं, इनके द्वारा आप मिसगाइड मत होइए। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करिए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करिए, तभी आपको लाभ होता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लिए। अगर आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र वास्तु में है तो ये चैनल आपके बहुत काम आ सकता है। थैंक यू सो मच।